दोस्तों, आज मैं हूँ तेलंगाना स्टेट के एक छोटे से कस्बे में। छोटा सा बोले तो अच्छा कस्बा है, ये है कोरुतला, जो कि तेलंगाना स्टेट में जगत्याल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो यहाँ पे अभी मैं हूँ, तो चलो यहाँ पे अभी सुबह सुबह हो गई है, नाश्ता करने जाते हैं। तो नाश्ते में खाएंगे इडली डोसा और दिखाएंगे आपको यहाँ के इडली डोसा। या फिर पार्सल पार्सल कर दो। मस्त लग रहा है देखने में। क्या YouTube पे डाल दे ये वीडियो? हैं? डाल दे? सुबह खाया था हमने दो डोसे, उसके बाद में हमने कुछ खाया नहीं। अब टाइम हो गया है, 5 बज गए शाम को, तो अब हमें थोड़ा सा भूख लग रही है। तो हम अब जा रहे हैं, अब खा के आएंगे हम मिल्स। तो देखते रहिए, वीडियो में बने रहिएगा आगे, और ऐसी ज़िंदगी चलती रहेगी। तो फ्रेंड, बाहर हो रहा है मौसम मस्त, एकदम जक्कास वाला। मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये मौसम, बादल हो रहे हैं मस्त, रोड भी पूरा पानी पानी हो गया। ये देखिए पूरा पानी पानी हो गया। चलिए होटल चलते हैं। तो हमारा आ गया खाना, हम खाएंगे पूरी सब्जी। तो फ्रेंड, हम आ गए हैं नमकीन वगैरह लेके। ये देखिए हम लाए हैं नमकीन मिक्सर, नमकीन भी खाने का बहुत शौक है हमें। और फिर लेके आए हम ये मीठे के लिए गजक। गजक अच्छा लगता है, अच्छा रहता है बॉडी के लिए, क्योंकि ये अच्छा क्वालिटी का गजक होता है। यहाँ पे जो मिलता है ये गजक अच्छा क्वालिटी होता है। ये देखिए तिल और मूंगफली दोनों का गजक है, टेस्टी है। अच्छा, तो हम अब आके तसल्ली से अपने वही बेड पे बैठ गए, क्योंकि अपने स्पेस बस इतना ही है। ये एक बेड है, बेड पे बैठ के सब कुछ खाना रखना सब कुछ। अभी तो हम, क्योंकि हम खा के आ गए, पर क्या होता है कि हमें रात को बहुत भूख लगती है। हमें कई बार रात को भूख लग जाती है, इसलिए
कुछ ना कुछ लेके आता हूँ मैं, मेरा सिस्टम ऐसा ही है कुछ। रात को कई बार 12-12 बजे उठ के और खाने बैठ जाता हूँ, इसलिए नमकीन वगैरह होना चाहिए। और फिर भूखा सोता रहता हूँ तो बहुत दुख होता है कि यार कुछ लेके आता, कुछ लेके आता, इसलिए लेके आता। आज का व्लॉग बस यहीं तक था, तो बने रहिएगा हमारे साथ और आने वाली वीडियो और भी अच्छी होंगी, क्योंकि ये अभी हम फर्स्ट स्टेज पे हैं, सीख रहे हैं धीरे धीरे व्लॉगिंग करना। और वाकई में हमें पूरा विश्वास है कि हम सीख भी जाएंगे। तो बस आपका आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद और छोटों का प्यार ज़रूर चाहिएगा। नमस्कार, मिलते हैं, खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और लेते रहिए मज़े ज़िंदगी के, और देखते रहिए राजस्थानी घुमक्कड़ मैन।